चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिंघू बॉर्डर पर तरन तारण के गांव चीमा के रहने वाले लखबीर सिंह की हत्या करने वाले निहंग बाबा नारायण सिंह ने भी पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि कल लखबीर सिंह की हत्या सिंघू बॉर्डर पर कर दी गई थी। उस पर आरोप है कि उसने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की। पहले निहंग सरबजीत सिंह की ओर से उसके हाथ की कलाई काट दी, जबकि बाद में नारायण सिंह वहां पर पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि इस व्यक्ति ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है, तो इसने उसकी टांग काट दी। आज बाबा नारायण सिंह की ओर से पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले वह अपने घर में पहुंचे, अपने गांव में उन्होंने गुरुद्वारे में अरदास की। देवीदासपुरा के गुरुद्वारे में अरदास करने के बाद लोगों की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि उन्हें अपने किए का कोई मलाल नहीं है। बड़ी खुशी है जी, सानू धन गुरु ग्रंथ साहब ने सेवा साडी झोली पाई आ। 6 सालां तो बिबदियां हुंदियां सी, बिबदियां रुकण दा नां नहीं लै रिहा। हुण गांह तो जिहड़ा डुफ्ट करेगा वह वेख के करेगा भी आह हाजर हुंदा, इह मार के ते टंग दिंदे जिद्दां मस्सा रंग नूं टंगिया सी। इस करके असीं ते वह सेवावां कीतियां जो सानू पातशाह, मैं नहीं कीता कुछ भी, गुरु साहब ने मौका लिया। ये 3:30 की घटना है, तो मैं 5:35 मैं उत्थे पहुंचा। कल ही मैं इतों पहुंचा रवाना आ, रात को तुरे से इतों 10 घरों अमरकोट तो, असी जाके उत्थे 5:35 पर पहुंचे हाँ। सानू फकर महसूस है भी बाबे बाद सिंह जथेबंदी को सेवा ली आ, साडा रोम रोम खुश आ, साडा परिवार, मेरिया धियां, मेरे बच्चे, मेरा पिंड, साडे सरपंच साहब सरदार जोगा सिंह जी, सारा नगर बाबा भुपिंदर सिंह गदरी जी साडे नाल आ सवेर दे, ते साडे बाबा राम सिंह जी, बाबा मंगल सिंह जी, सारे बाबा धर्म सिंह जी साडे घोड़िया दे जथेदार। तुहानू लगदा कि हुण जिहड़ियां बेदबियां पिछलियां आईयां उहदे भी कुछ कारवाई होएगी? देखो जी, वो एहो कुछ होएगा जे हुण गांह कोई निहंगा सिंह दे आ गया ना इंटरव्यू, जिहड़ा भी आ गया असीं आण के भी यह सेवावां करनियां। तो असीं धन गुरु ग्रंथ साहब का वेखो साढ़े सामने उत्थे बंदा बेअदबी की आ, तो असीं उहनूं सुक्का छड्ड दिंदे, फिर सानूं लानतां इन्नियां कु पैणियां वी साडे कोल झल्लियां नहीं जाणियां, असीं फिर नमोशी नाल मर जाणा है। उदों तो उही वी गुरु साहब ने सेवा लुट्टी आ, हुण खुश हो गए, चढ़दी कला नाल जा रहे हैं, तो रोम रोम साडा खुश आ। धन गुरु ग्रंथ साहब ने साडी झोली विच सेवा पाई आ, तरस खाधा साडे गरीबां ते, ते असीं बड़ी गुरु साहब ते खुशी आ भी सानूं तरस दे आधार ते महाराज ने सेवा दित्ती आ। इसके बाद पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शाम को अमृतसर रूरल के एसएसपी राकेश शुक्ला की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि किस तरह बाबा नारायण सिंह को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। और इस दौरान बाबा नारायण सिंह को भी पत्रकारों के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने बताया, उन्होंने कबूला कि ये हत्या उन्होंने की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। देखिए पूरा मामला क्या है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿੰਦਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਚੁਣਿਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਔਰ ਪੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ 302 ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੱਖ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਅਮਰਕੋਟ ਪੀ ਐੱਸ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਆਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਚਾਵੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਔਫ ਇਨਪੁੱਟਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 11 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
दैन वी कीम नो कि उस पिंड जी कि है लेकिन अपने घर से नहीं है। वी डिसाइड टू एक्ट वेरी वाइजली क्योंकि एक सेंसिटिव मामला सीगा। असी मुड़ के उस पिंड इस तरीके कॉर्डन कर लिया, इस तरीके असी फोर्स की डिप्लॉयमेंट करती कि किसी भी हालत च ये निहंग सिंह या मिस्टर नारायण सिंह ये उतों पिंड चो बाहर ना जा सकन। लॉट ऑफ मेजर्स वर टेकन, यदि फैमिली ने कॉन्फिडेंस लिया, ये सगे संबंधियों ये करीबियों कॉन्फिडेंस लिया। अल्टीमेटली जो उन्होंने एहसास किया कि हुण ये बाहर तो नहीं जा सकता, इन्हें अनाउंस किया कि मैं 4 बजे अज श्री अकाल तख्त साहब जावांगा तो उत्थे जाके मैं गिरफ्तारी देंगा जां उत्थे सरेंडर करांगा। ये भी एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होंगी। सो अवॉइडिंग दैट, जो इन्हें एहसास हो गया कि मैं हुण बाहर नहीं जा सकता, तो फिर इन्हें पिंड के गुरद्वारा साहब अनाउंसमेंट करती कि मैं उत्थे मत्था टेकांगा, दैन आई पुलिस जी है मैनू वो अरैसट कर सकती है। सो फाइनली अराउंड 4 PM 4 बजे बाद असी इन्हों गुरद्वारे तो बाहर जो आए तो अमृतसर रूरल पुलिस ने इन्हों बकायदा तौर पर अपनी हिरासत लै लिया गया, असी अरैसट कर लिया। असी ये बारे सोनीपत पुलिस को असी आगाह करता, उन्होंने इनफॉर्म करता है, असी उन्होंने टीम उतो चल पी है क्योंकि क्राइम उत्थे होया, डील भी उही कर रहे हैं, फरदर उन्होंने एक्शन करना उन्होंने बंद है। रख देवीदासपुरा अमरकोट, रख देवीदासपुरा अमरकोट PS जंडियाला। सो असी उन्होंने गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी ले लिया गया असी, और जिमें सोनीपत पुलिस आँदी हरियाणा पुलिस उन्होंने हवाले कर देंगे ताकि ये अपना जिहड़ा रूटीन अगे अपनी कार्रवाई है वो कर सकन। जी नॉर्मल पुलिसिंग है और है भी यही है, जे किसी इलाके का क्रिमिनल कोई काम कर लगा जिस इलाके फड़ा जाए वो पुलिस ने पकड़ के जी लोकल पुलिस के हवाले कर दी है। दिस इज ऑल, जो किसी ने कुछ पूछना है यू आर बिल्कुल 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 उन्होंने कबूल कर लिया कि ये कारा मैं किया और उन्होंने इस बारे इस चीज़ से कोई मलाल भी नहीं है। हाजी असी सिर्फ अरैसट किया, अभी पुछगिछ करनी है, वैपन अभी बरामद करा जहाँ फिर सोनीपत पुलिस जी गया वो बरामद करेगी। गया नो, इट इज़ ए टोटली 100% कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल अमृतसर पंजाब पुलिस। कोई होर एजेंसी या कोई होर किसी जगह की जी पुलिस है वो इन्वॉल्व नहीं है। एबसल्यूटली दिस इज़ नॉट फैक्चुअल, बट चूंकि हजे मैं हरेडली तुहाडी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। नो वो आई डोंट नो, असी पुछांगे सारी गल, जिहड़ी चीज़ मैं तस्दीक नहीं हुई उहदे बारे मैं कुछ नहीं कह सकता। तुसी अपने वल्लों कोई इन्वेस्टिगेशन कीती है जी? असी इहदी पुछगिछ शुरू कर ली है, जद तक हरियाणा पुलिस आएगी असी इहदी पुछगिछ कंटिन्यू करांगे। उहदे बेस ते जे सानू कोई चीज़ फरदर नज़र आती है, कोई ऐसी एक्शनेबल चीज़ जिते पुलिस एक्शन करना बनता होए, रेस्ट अश्योर्ड वो एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। उन्हें सारी सूची दसी है, मैं तुहाडे सामने लियाना, बट आई विल ओनली रिक्वेस्ट कि उन्होंने उन्नी गल ही पूछी जाए जिनी जायज़ हैगी। तुसी अपने अपनी तसली नाल पूछ सकते हो, मैं अपनी तसली करके तुहाडे कोल आया हैगा। ही हैज एक्सेप्टेड दिस थिंग, कन्फेस कर लिया उन्होंने कि मैं क्राइम किया। मैं उदी उन्हें दस्या कि जो मैं गया तो वह गुट वढ़िया पिया सीगा, जिहड़ा सीगा वह सरबजीत सिंह ने वढ़िया सीगा, मैं उहदा पैर वढ़िया हैगा, मैं तलवार दे 3 टक मारे है तो वह नौ दा मैं जिहड़ा पैर हैगा मैं उहदा वढ़िया हैगा। रीज़न ये दस्सदे उन्होंने यह कि साडे महाराज साहब की गुरु ग्रंथ साहब जी की श्री गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की सी, तो असी इनू सोधना ही सीगा। इन्हों लगता कि कुछ आदमी होर हो सकते है, जैसे कि सानू जो बंदा जो डिसीज सीगा वो लखबीर सिंह, दिस इज़ वट ही सेइंग, आई डोंट नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू, बिकॉज असी उन्होंने इनवैसटिगेशन के पॉइंट ऑफ तू हजे इनवैसटिगेट करना, उन्होंने कोरैबरेट करना असी,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਏ ਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਕਲੀਅਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ 88720300049। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈਕਸ ਆਰ ਆਫ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਸੇਵ ਯੂ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਅਵੋਇਡ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਕਾਲਸ, ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਧਰਨਾ ਦਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਧਰਨਾ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਧਰਨਾ ਦਲ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਕਲਡ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਧਰਨਾ ਦਲ। ਐਵੇਂ ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦੀ ਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਨਗਰਿਆ ਰਵਾਨਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ 5:35 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਦਾਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰੋਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਸ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਗਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਬਿਬਦੀ ਕਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਬਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਬਦੀਆਂ ਜਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਕੋਕੇ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਿਬਦੀਆਂ ਆਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਟਾਪੋ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸੀ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸਰਬੋਰੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਰਾਂ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰਦਾ ਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ SSP ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂ।
फिर एस एस पी साहब ना मैं गल की वो कहते बाबे तो अकाल तख्त साहब जाके तो फिर मैं फोन कर दौ भी फिर हाँ तुम गल करा उस तो पहले ही मैं घर गया वहाँ तैयार तुर हो मैं तो पुलिस चल गई उत्थे बैठ गई फिर सारे नगर में घेरा पा लिया तो फिर मैं कहते भी तह मैं नागरा साहब न वैसे क्या भी मैं मैं जी तह ना ही लै जाओ मैं श्री अकाल तख्त साहब दर्शन कर रही आप रैट तो होना ही अहम कि भजे हाँ जो भजे होंगे तो फिर घरों बहर होंगे पिंडों बहर होंगे तो भजन वाला साडा कोई मस्तक नहीं है तो गुरु साहब वास्ते साडा अगे भी रोम रोम कतरा कतरा साडा खून का गुरु साहब ध्याज रहा गुरु ग्रंथ साहब वास्ते वो साडा गुरु वा जिंदे गुरु का खिताब है वर्ल्ड ने भी दिता सानू भी सारे पता वा धन गुरु साहब सारे मानते हैं हिंदू मानते सिख भी मानते हैं बाबा जी जो तुम्हें लत वी तो मर गया फिर उस तो बाद अद्धा पौना घंटा जींदा रहा वार नहीं नहीं वेखो जी सारा उत्थे घट तो घट नहीं तो 200-400 बंदा कट्ठा होया तो गुरु ग्रंथ साहब दो लैके वह भज गया है एक गुरु ग्रंथ साहब किला जाके तो उन्हें चरस्ते सुट्टा दूजा गुरु ग्रंथ साहब दो किले गांह लै गया पर छपीड बड़ी होती और सिंह जो दसते हैं वो उन्होंने सिंह ने फड़ लिया जदों ग्रंथ साहब फड़ के एक सिंह ने जो हूँ गिरफ्तारी देती उन्हें उस वेला गुट लाता दिल्ली बंदा पहुंच जाता देखो साजिश तो ऐसी कोई ना कोई वो कहंदे उन्हें लालच दिता गया तो परिवार कहंदा नहीं लालच दिता गया फिर तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब दे तुहानू दे विवधियां ने मैं पहले रिक्वेस्ट कीती है कि सेंसिटिव मैटर है आपा उनी गल करिए जिन्नी तुहाडे काम दी है अगे की एक से बाबा बाबा एक बाबा एक देखो ये साडी इन्वेस्टिगेशन दा मामला पुलिस दा ये कार्यक्षेत्र हैगा पंजाब पुलिस कर ले हरियाणा पुलिस कर ले सिस्टम सेम हैगा